हाय दोस्तों, हर हर गंगी हर हर महादेव। आप सबका हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉग समय। अभी आप पवित्र पावनी माँ गंगा की लाइव दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं गंगा जी की पाद सीता कितनी ज़्यादा है, नीली नीली जल आपको अभी देखने को मिल रहा है, कितनी तेज धारा है और माँ मनसा देवी की टेम्पल के दर्शन आप कर रहे हैं। कहा जाता है मनसा देवी के दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और आप सब हरिद्वार आ रहे हैं गंगा जी के आशीर्वाद लेने, गंगा जी में डुबकी लगाने, तो आप कमेंट जरूर करें कब आ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि सर्दी आते ही सारे श्रद्धालुओं के मन में एक ही क्वेश्चन रहता है कि जब हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ की टेम्परेचर क्या होगी और होटल में हमें गर्म पानी मिलेगा कि नहीं नहाने के लिए, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन होती है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी गर्म पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो। ये आप देख रहे हैं सूर्य किरणें तेज है, लेकिन 9 बजे से पहले एहसास नहीं होगा कि सूर्य किरणें भी है यहाँ पे, क्योंकि बर्फीली हवाएं काफ़ी तेज होती है और ऊपर पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से हरिद्वार में जो दृश्य है वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी वाली हो चुकी है। ये जो ब्रिज है ये है धनुष ब्रिज और हर की पैड़ी के पास सबसे बड़ा ब्रिज यही है। बाकी और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिज थे लोहे के, जिन्हें हटा दिया गया है। सुबह सुबह श्रद्धालु की संख्या होता है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। और सूर्य की किरणें आज कितनी तेज़ है वो आप देख ही रहे हैं, जल की धारा आपको काफ़ी तेज़, काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी और काफ़ी ज़्यादा शीतल भी देखने को मिलता है। आपके साथ बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं और आप बचना चाह रहे हैं बर्फीली हवाओं से, तो आप 10 बजे के बाद आएँ ताकि आपको अच्छे से गंगा जी के आशीर्वाद और गंगा जी में आप डुबकी लगा सकें। देख रहे हैं अगर हम जूम करके भी दिखाते हैं तो कई बार कैमरे में कैद नहीं हो पाता, जो वो स्नान करते करते काँप रहे हैं, कपकपाहट आना स्वाभाविक सा हो जाता है, क्योंकि जल की धारा काफ़ी ज़्यादा शीतल है और हवाएँ भी काफ़ी ज़्यादा बर्फीली चल रही हैं। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं वो हाईवे है और भगवान शिव की मूर्ति है स्वामी विवेकानंद पार्क में। आप चाहे तो इस ब्रिज से होके जा सकते हैं या फिर इस ब्रिज से, दोनों ही ब्रिज से होके आप जा सकते हैं। और यहाँ से स्वामी विवेकानंद जाने का 2 मार्ग है जो कि हमने आपको बता दिया है, किसी भी मार्ग का उपयोग आप कर सकते हैं। देख रहे हैं श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो सुबह लगभग 9 बजे के बाद ही देखने को मिलता है और यहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारे लोग दो दो तीन तीन गर्म कपड़े पहने हुए हैं। देख रहे हैं कुछ लोग तो कंबल भी ओढ़ के आ रहे हैं। अभी हम बस पहुँचने ही वाले हैं हर की पैड़ी और हर की पैड़ी का दृश्य आप देखेंगे। हवाएं काफ़ी तेज है, आज थोड़ी कम ठंडी है पिछले दिनों की तुलना में। आप जो गर्म कपड़े पहने हुए हैं लोग, जो बच्चे हैं जो बड़े हैं, सारे लोगों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हवाएं कितनी बर्फीली होगी और यहाँ पे ठंडी कितनी ज़्यादा लग रही होगी। अब हम आ चुके हैं सबसे प्रमुख घाट पे, यहीं पे ही गंगा जी की आरती के दिव्य दर्शन आप करते हैं। और यहाँ पर आरती के दर्शन के लिए लाखों में संख्या देखने को मिलता है और यहाँ पे देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आपको देखने को मिलेंगे। जो दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पे गंगा जी की आरती होती है और जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं पे ही गंगा जी की आरती के दर्शन काफ़ी अच्छे से होते हैं। जो सीढ़ी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सीढ़ी में सारे श्रद्धालु बैठे होते हैं, पीछे तक जो आपको LCD लगा हुआ, डिस्प्ले लगा हुआ दिख रहा है, डिस्प्ले से लेके यहाँ तक श्रद्धालु बैठे होते हैं। तो इस तरह का जो दृश्य है हर की पैड़ी में अभी देखने को मिल रहा है वो आपने जो पहले दृश्य देखा था और यहाँ पे घाट पे आप देख रहे हैं, दोनों जगह में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे छाँव है जिसकी वजह से श्रद्धालु आपको यहाँ पे कम दिखाई दे रहा होगा।
हर की पैड़ी के पास स्थित काफ़ी सारे होटल धर्मशाला का वीडियो हमने बना रखा है, आप चाहे तो उसमें भी कॉन्टेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे होटल धर्मशाला में अभी आपको गर्म पानी स्नान करने के लिए मिल जाते हैं। हरिद्वार की जो यात्रा है वो आपकी काफ़ी स्वागत और आनंदमय होगा, आप अगर प्लानिंग से आएंगे, नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी ठंडी को लेके, और किसी पर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि श्रद्धालु की संख्या हरिद्वार में अभी काफ़ी कम है, केवल वीकेंड में रविवार शनिवार को ही देखने को मिलता है। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं सामने मंदिर, वहाँ पे ब्रह्मकुंड है जहाँ पे अमृत के कुछ बूंद गिरे थे, और यहाँ पे स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है। ये है सबसे बड़ा घाट मालवी घाट, ये जो एरिया है ये है महिला घाट का दूसरा एरिया हम कह सकते हैं, लेकिन मालवी घाट के ही अंदर आता है। यहाँ पे श्रद्धालु स्नान करने के बाद सामने आपको काफ़ी सारे दिख रहे होंगे चेंजिंग रूम, वहाँ पे जाके कपड़े चेंज करते हैं। जब भी आप आते हैं हरिद्वार तो कपड़े चेंजिंग रूम यहाँ पे बने हुए हैं, हमारे माता और बहनों से खास तौर पर रिक्वेस्ट है आप कपड़े चेंजिंग रूम में ही चेंज करें, और गीले कपड़े चेंजिंग रूम में ना छोड़ें, आप डस्टबिन में छोड़ें ताकि यहाँ की सफाई व्यवस्था बना रहे। घाटों पे इस समय काफ़ी सारे लोग धूप लेते हुए भी दिखाई देंगे, जैसे कि सामने आपको काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और धूप ले रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग घाटों पे विश्राम भी करते हैं। तो आपकी सुविधा के अनुसार आप प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसे हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दिया है। टेम्परेचर की बात कहें तो अभी रात की टेम्परेचर की बात कहें तो लगभग 4 से 5 डिग्री रहता है, लेकिन जैसे तेज़ धूप आने को होता है वैसे टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा से बढ़ने लगता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे नमामि गंगे।